नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अक्षर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र इलाके के संसारपुर NH-31 पर जिस तरीके से पिछले दिनों अपराधियों ने 3,97,000 रुपये की छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, वहीं 24 घंटे के अंदर खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार के नेतृत्व में जिले की पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए 38,000 रुपये व 4 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। लूट में शामिल 10 लुटेरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं लूट में शामिल अपराधी का मोबाइल ने लूट की घटना का पोल खोल दिया। मंगलवार को SP अमितेश कुमार ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट की घटना का उद्भेदन करने की जानकारी दी है। वहीं SP ने बताया कि महेशकूट थाना क्षेत्र इलाके के झिटकिया गाँव निवासी स्वर्गीय दशरथ चौधरी के पुत्र राजकुमार चौधरी के पास से आधे दर्जन अपराधियों ने मारपीट कर 3,97,000 रुपये बीते 12 जून को लूट लिया था, जिसके बाद मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर SDPO के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई में जुट गई पुलिस। बताया कि 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल 10 अपराधियों को लाइनर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अपराधी के पास 38,000 रुपये व 4 मोबाइल फोन भी उनसे बरामद किया गया। लूट की घटना में परमानपुर निवासी सूर्य नारायण कुमार, प्रिंस कुमार पासवान, दिवाकर कुमार, प्रशांत कुमार, हाजीपुर के प्रिंस कुमार, आवास बोर्ड के शुभम कुमार, बलवाही के रोशन कुमार, NAC रोड स्थित शिवजी कुमार, सीढ़ी घाट के किशन कुमार, इसके अलावा बात करें तो विभीषण कुमार भी जो है, ये तमाम अपराधी जो है ये शामिल थे इस लूट घटना को अंजाम देने में। वहीं खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी है। वहीं घटना बीते 12 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH-31 के शमशान घाट के समीप ये घटना घटी थी। SP ने बताया कि पीड़ित राजकुमार चौधरी शहर के एक दुकान से ज्वेलरी बेचकर 3,97,000 रुपये लेकर झिटकिया गाँव जा रहा था। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शमशान घाट के पास जैसे ही बाइक पार की तो कार से धक्का मार दिया गया, जिसके बाद पीछे से आ रही बाइक सवार अपराधियों ने जख्मी राजकुमार से मारपीट कर रुपये लूट लिया। वहीं तमाम कुछ जो जानकारी है वो बता रहे हैं खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार, जरा सुन लीजिए। चाकू का भय दिखा करके सारे पैसे लूट करके ले गए। मौके के संज्ञान में आते ही मुफस्सिल थाना SDPO सदर स्वयं अपने नेतृत्व में अलग अलग टीम गठित करते हुए हमने एक हमारे लिए अच्छी लीड की ये बात रही कि अज्ञात अपराधियों का एक मोबाइल फोन घटनास्थल पर ही गिर गया था, जहां से पुलिस जांच शुरू हो गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 दिन के भीतर कुल 10 अज्ञात अपराधी इसमें जो शामिल हुए थे उनको जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। लूटे हुए पैसे में से कुल 38,000 रुपए एवं 4 मोबाइल जो एक जो घटनास्थल में मिला था एवं 3 मोबाइल जो अपराधियों के पास से मिला वो सब जो है सामान जब्त कर लिया गया है। अभी भी करीब 5 अभियुक्त हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं लेकिन अभी तक फरार हैं। पुलिस उनकी छापेमारी के लिए निरंतर प्रयास है। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में द रेमंड शॉप। बिल्कुल आपने सही सुना, इस लगन के मौके पर आप आज ही पधारे। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, निदेशक दर्शिता मेडिसिटी बलवाही खगड़िया। हमारे यहाँ 24 आवर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ICU, NICU की सुविधा, सारी सुविधाएं कम खर्च पे उपलब्ध है।